आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही जल्दी बनने वाला और बहुत ही टेस्टी सा मूंग की दाल का हलवा। इसके लिए मैंने ली है मूंग की दाल। सारे मैंने एक कटोरी इस तरीके से नाप रखा है, इसी से कटोरी से ये मैंने दाल ली है और इसे दो पानी में अच्छे से वॉश करके फिर मैंने इस कपड़े में फैला कर इसको थोड़ा सुखा लिया है। 3-4 घंटे में ये सूख गई हुई, इसको मैंने भिगोया नहीं है, डायरेक्ट इसको धोया है और धोने की वजह सफ़ेद पानी आ गया। उसके बाद मैंने छन्नी में इसको रख दिया और कपड़े पे फैला दिया, तो इस तरीके से हुई। तो इसे लगभग 200 ग्राम दाल है और नाप में एक कटोरी। इसी कटोरी से मैंने ली है चीनी, शुगर, देसी घी और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें इलायची, बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और जो आपको मन चाहे और भी कुछ उसमें डाल सकते, कुछ घटा बढ़ा भी सकते हैं। और ये मैंने लिया है ठंडे दूध में केसर को घोल के रखा हुआ है। और इसमें डालने के लिए एक छोटी वाली सूजी ली है मैंने और मैं कुछ बेसन लूँगी और इसमें डालने के लिए 500 ग्राम दूध, 200 ग्राम दाल में 500 ग्राम दूध। आइए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस दाल को हमको भूनना है। कढ़ाई में हम मूंग दाल को डालते हैं, कर भून लेंगे। दाल में से खुशबू आ गई है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है भुनने की। भून के इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे हम, जो कि हमारी लगभग हो चुकी है। फ्लेम जो है थोड़ी लो ही रखनी है, इसमें तेज नहीं रखनी है। और मेरी और आपकी कढ़ाई के ऊपर भी है कि आप किस तरह की ले रहे हैं, अगर कढ़ाई थोड़ी सी मोटी हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, बहुत इसीलिए बन जाती है। और इसको अगर आप धोना नहीं चाहते हैं और इसे गीले कपड़े से पोंछ कर भी बना सकते हैं, पर मैंने तो ये धोई है। अगर उसमें पाउडर दिखाई देता है दाल के अंदर तो वो धोना ही ठीक है, पर कई बार दाल साफ़ होती है तो और हमें जल्दी भी चाहिए तो हम उसको गीले कपड़े से पोंछ कर बना सकते हैं। और जो जितनी दाल गीली हुई है वो तो भून कर सूख ही जाएगी, आप इसे सेम जैसे लो बना सकते हैं। अब ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसको हम किसी बर्तन में निकाल कर ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये दाल हमने बर्तन में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा घी, ये घी उसी में से लेना है जो हमने डालने के लिए लिया है, उसी क्वांटिटी में से करना। घी देखिए हमारा गर्म हो रहा है और फ्लेम एकदम सिम रखेंगे ताकि ये जले। बहुत हल्के भूनने, इनमें बस क्रंच आ जाए थोड़ा सा और टेस्ट इनका बढ़ जाए। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बादाम जो हमने पहले से काट कर लिए हुए हैं। बहुत तेज घी नहीं गर्म करेंगे नहीं तो वो जलने के चांस रहते हैं। अब इसमें हम काजू डाल देंगे, इसके बाद हम पिस्ता डाल देंगे, देखिए भुनने लगे हैं, झाग झाने लगाएंगे। और सबसे बाद में हम किशमिश डालें, आप कुछ घटा बढ़ा भी सकते हैं जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी हो जाती है। देखिए किशमिश कितनी फूल चुकी है, बस जलने ना पाए। अब हमारी दाल थोड़ी ठंडी हो गई है, इसे हम मिक्सी में पीस लें। इसको दरदरा पीसना है, बारीक पाउडर नहीं बनाना है। मिक्सी को रोक रोक के थोड़ा चला के ताकि थोड़े
दरदरा रहे, पाउडर ना बने, ऐसा पीसते हैं। इसको हम पीस, दरदरी हमने पीसी है, पीसी है इसको। कढ़ाई में जो है घी डालेंगे, देखिए ये सारा घी हमें यूज़ करना है, पर एकदम नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। घी हमारा गर्म हो रहा है, तो इसके लिए मैं एक सीक्रेट बताती हूँ। हलवा बनाने के लिए दाल को एकदम नहीं डालना है घी में, इसके लिए हमें जो हमने 2 चम्मच सूजी ली है उसे डालेंगे पहले, और लगभग 1 चम्मच भर के बेसन डालेंगे। चाहे तो कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। डालने से ये होता है हलवा हमारा चिपकता नहीं है कढ़ाई से, और टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है। बेसन बाइंडिंग का काम करता है, सूजी भी उसको चिपकने नहीं देती है। हो गया है, तो अब हम इसके बाद मूंग की दाल डाल देंगे, उसको हम भूनेंगे। पहले से हमारी ड्राई रोस्ट दाल, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग 3-4 मिनट हुए हैं, क्योंकि दाल पहले से ही गोल्डन ड्राई रोस्ट की गई थी। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसका, दाल हमारी भून चुकी है। अब इसमें दूध डालें, धीरे धीरे डालें, फ्लेम सेम रखते हैं। थोड़ा सा पानी भी डालें, आप चाहें तो उसे पानी में भी बना सकते हैं और दूध का मावा बना के डाल सकते हैं। 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए आप, ये गाढ़ा हो चुका है हलवा, तो दाल है जो वो गाढ़ी हो चुकी है। इसी टाइम हम इसमें डालेंगे केसर, जो हमने पहले से दूध में, ठंडे दूध में घोल के रखी हुई है। और ये शुगर जो हमने बराबर क्वांटिटी में ली थी। शुगर डालते ही ये फिर दोबारा से थोड़ा पतला हो जाएगा, तो अब हमें इसे ज़्यादा चलना है। पहले तो जब चीनी पड़ जाती है तो लगने के चांस ज़्यादा होते हैं इसमें, मीठा डालने के बाद। तो इसी टाइम हम इसमें घी डालेंगे, तो अभी इसे चलाते हुए बनाए जब तक ये ड्राई ना हो जाए और भुनने ना लगेगा। तो हम इसे धीमी आंच पे तब तक भूनेंगे जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। देखिए हलवा हमारा ड्राई होने लगा है। अब तक जो, अब धीरे धीरे घी छोड़ने लगा, घी छोड़ने लगा और कढ़ाई भी छोड़ लगा। इसी टाइम हम इसमें सारा बचा हुआ घी डाल देंगे, इसी टाइम डाल देंगे जो कि हमारा बचा। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे और स्लो घी में अब हमारा हलवा भुनेगा घी में। और इस टाइम हम इसमें 5-6 दाने इलायची के पाउडर के डाल देंगे। चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर इसकी
टेस्ट और खुशबू दोनों ही इनहेंस होती है। इसे चलाते हुए भून लेते हैं। देखिए हलवे ने कढ़ाई छोड़ दी है और इसमें से घी निकल आया होगा। ये हलवे की पहचान है। जब हलवा तैयार होने लगता है तो हमने जो घी डाला है वो सब छोड़ देता है और वो इस तरीके से ऊपर आ जाता है। हमने अभी नहीं डाला है, जो पूरा हलवा है हमने धीरे धीरे करके जो सारा घी छोड़ा था सब देखिए नज़र आ रहा है। इसको अब हम इसी घी में थोड़ा सी देर और भूनेंगे ताकि इसका टेस्ट और अच्छा आ जाए। दो तीन मिनट सब घी ऊपर आ गया। तो अभी हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं जो हमने पहले से भून के रखे। चलिए अब ये गजर विंटर सीजन का गरम गरम हलवा बनकर तैयार हो गया।